हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। गाइस, आज मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा डेल का लैपटॉप, डेल लैटिट्यूड है। सो गाइस, ये बड़ा ही अच्छा लैपटॉप है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका और फुल्ली कमर्शियल मॉडल है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइस, चलिए हम देखते हैं कंपनी ने बॉक्स पे क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। डेल यहाँ पर मिल जाता है हमें लोगोस कंपनी का बॉक्स पे, और देखते हैं इसमें कंपनी ने क्या प्राइस और क्या स्पेसिफिकेशन दिया है। सो गाइस, यहाँ पर बॉक्स पे मिल जाता है रिसेंटली लैपटॉप, ये 2021 का है, अगस्त मंथ का, 2021 अगस्त 2021 का है। इस पर कंपनी ने बॉक्स पे प्राइस दिया है 48,000 समथिंग रुपीज़। सो गाइस, मार्केट में बड़े आराम से आपको 44,000-45,000 के नियर अबाउट आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। 48,337 रुपीज़ बॉक्स प्राइस है, लेकिन 44,000-45,000 के नियर अबाउट आपको मिल जाएगा। सो गाइस, कंपनी ने बॉक्स पे एक और जगह डिस्क्रिप्शन दिया है, कोर i3 11th जनरेशन 115G4 प्रोसेसर है, 4GB रैम है डेडिकेटेड, माफ कीजिएगा 4GB रैम है, 3200 ओके, 1TB इसमें HDD दिया है, देख सकते हैं। और यहाँ पर मिलता है 15.6 हमें डिस्प्ले मिल जाता है, ओवन टू सॉफ्टवेयर मिलता है, 1 ईयर इसमें कंपनी ने ADP वारंटी दिया है, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन एंड वाईफाई दिया है इसमें 6, और मिलता है हमें इसमें गाइस एंटीवायरस मैकैफे का, जो कि हमें विद प्रोडक्ट की के साथ कंपनी ने प्रोवाइड किया है। सो गाइस, यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन कंपनी ने जो भी दिया था मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है, बता दिया है, इन्फॉर्मेशन दे दिया है। सो गाइस, यहाँ पर हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या लुक है, क्या क्वालिटी है, क्या बिल्ड क्वालिटी है कंपनी ने, और क्या इसके अंदर हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पर 4GB रैम मिल रहा है, 1TB HDD मिल रहा है, 4GB रैम जो है DDR4 का 3200 MHz के साथ है एंड 1TB, सो इंटेल इनसाइड प्रोसेसर मिलता है, कोर i3 11th जनरेशन 1TB HDD। चलिए गाइज, मैं इसको अनबॉक्स करूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक कटर अनबॉक्स कर लिए है। सो गाइज, मैं इसको कटर से अनबॉक्स करता हूँ बड़ा ईजिली। चलिए गाइज, ये अनबॉक्स हो गया है, बॉक्स हमारा बाहर आने वाला है लैपटॉप। सो गाइज, वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइज, मैं आपके सामने एवरीडे न्यू बॉक्स अनबॉक्सिंग लैपटॉप लेके आता रहता हूँ, आप मेरे वीडियो से जुड़े रहिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो वीडियो को मेरे लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइज, मेरे साथ कभी भी कहीं भी न्यू अनबॉक्सिंग मिलता रहेगा आपको, अगर मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़े हुए। सो गाइज, ये लैपटॉप है डेल का लैटिट्यूड 35201 20 इज दिस मॉडल नंबर। यहाँ पर मिल जाता है हमें मैकैफे का एंटीवायरस विद प्रोडक्ट की के साथ, देख सकते हैं मैकैफे ओके। ये कंपनी ने 15 मंथ्स का दिया है, 15 मंथ्स ओके। सो गाइज, 15 महीने के लिए, 15 मंथ्स के लिए मैकैफे एंटीवायरस है विद प्रोडक्ट की के साथ ओके। और कंपनी ने इसमें जो सॉफ्टवेयर दिया है वो लाइनक्स Ubuntu है, हम चाहेंगे तो इसमें विंडो 10, विंडो 11 जो भी चाहेंगे सॉफ्टवेयर हम अपग्रेड कर सकते हैं। और गाइज, हमें मिल जाता है इसके साथ यहाँ पर डेल का चार्जर मिल जाता है 65 वॉट्स का, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल, देख सकते हैं आप 65 वॉट्स का डेल का चार्जर है विद मोटी पिन के साथ है, मतलब मीडियम पिन जो है इसकी वो साथ में मिल रही है। 65 वॉट्स थोड़ा कैमरे से धुंधला हो जा रहा है, सो गाइज कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था इसमें। गाइज, इसके साथ मिलता है हमें एक और पावर केबल, जो कि वो भी मैन्युफैक्चर्ड बाय विद डेल है, ये देख सकते हैं इसका पावर केबल है, बारकोड स्कैनर दिया है और एडाप्टर पर चार्जर पे भी बारकोड स्कैनर कंपनी देख के रखता है, कभी भी आप लैपटॉप बाइंग करें तो ये बारकोड स्कैनर एक बार स्कैन करके ज़रूर देख लें। सो गाइज, चलिए लैपटॉप को अनबॉक्स करते हैं, ज़रा भी देर नहीं करते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है। चलिए गाइज, ये पॉलीथीन पाउच से बाहर आ गया है, वाओ वाओ, इज दैट ब्लैक कलर लैपटॉप, सो डल ब्लैक ग्लॉश, काफ़ी अच्छा डल ब्लैक, जेड ब्लैक की लुक लाइक दिख रहा है, ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन दोनों ही दिख रहा है। सो गाइज, यहाँ पर सेंटर में मिलता है HP का ग्लोशी लोगो, जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव दिख रहा है, डेल का काफ़ी शाइनिंग मारता हुआ। सो गाइज, लैपटॉप ब्यूटीफुल लुक है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन दिख रहा है, मतलब बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी हैवी दिख रहा है, क्योंकि इस दिस कमर्शियल मॉडल लैपटॉप। सो गाइज, इसकी पावरबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूटी बहुत अच्छी होती है ओके। हाँ, इसमें SSD कंपनी ने नहीं दिया है, लेकिन अपग्रेडेबल है, HDD दिया है। सो गाइज, राइट साइड में मिलता है हमें एक सिक्योरिटी जैक, लैन पोर्ट एंड 3.0 USB एंड 3.0 USB, एक 2.0 USB अदर साइड में मिलेगा,
और 3.5 mm साउंड जैक एंड माइक्रो एसडी स्मॉल छोटा वाला मिल जाता है। काफी थिन लैपटॉप है, देख सकते हैं आप गाइस। ओके, और लेफ्ट साइड की बात करूं तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एचडीएमआई पोर्ट मिलता है, 3.0 यूएसबी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट। सो गाइज, एक हमें इसमें 2.0 है, 3.0 टू पोर्ट से। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मिलता है हमें विंड एक कूलिंग सिस्टम, काफी अच्छा छोटा सा प्यारा सा। और पैनल के नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर भी मिलता है गाइज हमें एक काफी बड़ा विंड कूलिंग सिस्टम मिलता है, बड़ा अच्छा, काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है। और मिलता है एक रबर ग्रिपिंग, काफी बड़ा फुल्ली रबर ग्रिपिंग के साथ मिलता है, 4 जोन रबर कूलिंग है, देख सकते हैं। और पैनल के नीचे ही मिलता है हमें म्यूजिक सिस्टम स्पीकर, जो कि काफी अच्छा म्यूजिक सिस्टम है, डेल मैक्स ऑडियो स्पीकर प्रोवाइड कराता है। सो गाइज, यहाँ पर मिलता है हमें सेंट्रल में लैटिट्यूड का ब्रांडिंग 3520 इज दिस लैटिट्यूड मॉडल 3520। सो गाइज, चलिए फ्लैप को ऊपर करते हैं और देखते हैं क्या लुक है। वाओ, इज देयर एंटी क्लियर डिस्प्ले, फुल एचडी 15.6 डिस्प्ले है, मल्टीकैशर टच पैड है। सो गाइज, इसका देख सकते हैं। और राइट साइड में हमें मिलता है i3 का लोगोज मिल जाता है, 11th जनरेशन कोर i3 लोगोज मिलता है। सो गाइज, ये 4GB रैम के साथ लैपटॉप है, मल्टीकैशर टच पैड है, 4GB रैम जो है 3200 मेगाहर्ट्ज के साथ है। तो रैम हम इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं, 16GB रैम ऑल्सो सपोर्टेड। और यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड मिल जाता है, चिपलेट वाटर प्रूफ कीबोर्ड है, नॉन डस्टेबल, जो कि हमारे डस्ट वाटर वगैरह पानी अंदर नहीं जाता है। हाँ, तो इसमें SSD की बात करूँ तो गाइज, इसमें हम SSD 1TB भी SSD लगा सकते हैं, 512 भी लगा सकते हैं एंड 256 भी लगा सकते हैं। 1TB HDD इसमें मिल रहा है कंपनी की तरफ से। ऑल्सो हमें यहाँ पर टॉप पर मिलता है 720 पिक्सल के साथ, एक कैमरा मिल जाता है और सिंगल माइक। तो सो गाइज, यहाँ पर जो देख सकते हैं नैरो बेजल इसका काफी कम है लैपटॉप का, लुक वाइज काफी अच्छा दिख रहा है। इस कमर्शियल मॉडल, फुल्ली कमर्शियल है ये, आपका डेली यूटिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, ऑफिशियल पर्पस, बिजनेस पर्पस एंड शॉप पे किसी भी तरीके का यूज के लिए आप लैपटॉप रफली यूज कर सकते हैं, फुल्ली रफली यूज कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप फुल्ली रफली बनाया ही गया है गाइज। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर मेरा पसंद आया है तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइज, एक बात बताना भूल गया मैं, ये 180 डिग्री फ्लैट हो जाता है, बहुत ही आराम से देख सकते हैं आप, जो कि आपको कभी इसमें हिंज की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। एक और चीज़ सबसे मेन पॉइंट ये है कि गाइज, कंपनी ने इसमें ADP वारंटी दिया है, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन। कभी भी लैपटॉप गिरे, टूटे फूटे, कुछ भी होगा, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बना के देगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। सो गाइज, कंपनी ने इसमें सॉफ्टवेयर बस नहीं दिया है, डॉस मशीन है, लाइनेक्स इसमें सॉफ्टवेयर है, आप अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। और बैटरी बैकअप की बात करूँ तो गाइज, इसमें हमें मिलता है 6 आवर्स बैटरी बैकअप, लैटिट्यूड डेल लैटिट्यूड 6 आवर बैटरी बैकअप के साथ है, विद एक्सीडेंटल वारंटी, ADP एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन लैपटॉप है। सो गाइस, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि कमर्शियल होता है इसका कंपोनेंट, हार्डवेयर बहुत स्ट्रांग होते हैं, कमर्शियल ही होता है टोटल सब कुछ, कीबोर्ड वगैरह काफ़ी स्ट्रांग होता है इसका, LED स्क्रीन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। सो गाइज, ये कंज्यूमर लैपटॉप से हटके है, क्योंकि कमर्शियल लैपटॉप कोई भी, जैसे हमारी गाड़ी या व्हीकल वाहन होते हैं ना जो कमर्शियल, वो बहुत ही हैवी स्ट्रांग होते हैं, जस्ट लाइक ए लैपटॉप भी, कमर्शियल इज़ द वेरी गुड लैपटॉप, वंडरफुल एंड बिल्ड क्वालिटी इज सो गुड। सो गाइज, लैपटॉप कुल मिला के बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो वीडियो के लिए मेरे थैंक यू, आपने मेरा वीडियो पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग लैपटॉप लेके आता रहूँगा, थैंक यू।